इससे पहले आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है, इसके दो बेसिक रीजंस है। एक पहला रीजन ये है कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो एकदम बोगस और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन उनका जो है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मानिए दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि एबीवीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एबीवीपी का पर्चा उठा के उसको वैसे के वैसे चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो कुछ मीडिया हाउसेस है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने से इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके इसके पीछे जो एबीवीपी का हाथ था, और बस कल का बात नहीं है, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन के बाद से ही कई सारे मीडिया हाउसेस अपने से इन्वेस्टिगेशन करके इसका एक पर्दाफाश किया है कि इसके पीछे एबीवीपी का हाथ है, पुलिस का इसमें कॉम्प्लिसिटी है, प्रशासन और जेएनयू सिक्योरिटी का इसमें कॉम्प्लिसिटी है। और इसीलिए जब जेएनयू टीचर फेडरेशन, जो बेसिकली जेएनयू प्रशासन का एक राइट हैंड है, उसके तरफ से एक क्रोनोलॉजी आया है, तो एक क्रोनोलॉजी को समझाने का प्रयास जेएनयू एसयू की तरफ से ये है कि आखिर में सच में क्या हुआ था। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है बार 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 बार, फेक इमेजेस फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, और उसको लेके कि सही में 4 जनवरी से लेके क्या क्या इवेंट हुए और 5 जनवरी को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा चीज़ हमको आपके सामने रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेके आगे के आगे क्या कॉल लेने वाला है, आगे हम लोग का क्या रवैया होगा, क्या हमारा अगला स्टेप होगा, उसको लेके भी हम आपको अपडेट करेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पूरे देशवासी जो आज देख रहे हैं जेएनयू को, उनके पास ये सच्चाई पहुँचे कि किस तरह से एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत जेएनयू पे एक हमला किया गया, जेएनयू को डराने की कोशिश की गई। तो बहुत डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि 4 जनवरी से लेके क्या क्या इवेंट्स शुरू हुए। तो सबसे पहले जनवरी 4 के इवेंट से हम शुरू करते हैं। 4 जनवरी को, जैसे कि आपको पता होगा, 28 अक्टूबर से 2019 से जेएनयू में एक मूवमेंट चल रहा है फी वृद्धि के खिलाफ, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ, और एक स्ट्राइक चल रहा है। इस स्ट्राइक को इंश्योर कराने के लिए स्टूडेंट्स पीसफुली और डेमोक्रेटिकली सिटिंग कर रहा है अपने अपने स्कूल बिल्डिंग के बाहर, और वो दिन भर वहाँ रात भर वहाँ सिटिंग करता है ताकि वो छात्रों से बात कर पाए, उन्हें समझा पाए कि स्ट्राइक का नेसेसिटी क्या है। ये सिटिंग 4 जनवरी को भी हो रहा था। सुबह 6 बजे वहाँ पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक स्कूल है जहाँ पे छात्र बैठे थे, ये सिटिंग कर रहे थे वहाँ पे। उन्हें पता लगा कि कुछ गार्ड चेहरे पे कपड़ा बांध के उनके तरफ आ रहे हैं, लाइट को बंद कर दिया गया। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो भी है हमारे पास में उनका, इसको आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा PDF के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से। तो उनको ये खबर मिला कि गार्ड्स आ रहे हैं, लाइट बंद कर दिया गया है, और 40 गार्ड्स करीबन असेंबल हुए। उन्होंने कोई बात नहीं, आपको फ़ोटो दे दिया जाएगा WhatsApp पे, प्रिंट भी करा रहे हैं, इसका प्रिंट करके भी दिखा देंगे। तो उन्होंने JNU SU को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा एक सिचुएशन डेवलप कर रहा है। तब 7 बजे के करीब कॉमरेड ओशी आनन फानन में SBT पहुँचती है ये इंश्योर करने की गार्ड वहाँ पे कोई बदतमीजी ना करे, कोई तरीके का वायलेंस ना करे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो नए गार्ड्स हैं साइक्लॉप्स, उनका ये एक रोल रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे धक्का मुक्की करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, मैन हैंडल करते हैं। पर 4 जनवरी के सुबह में उन्होंने एक नया, मतलब उन्होंने अपने पूरे हदें पार कर दी। उन्होंने कॉमरेड ओशी को झापड़ मारा वहाँ पे, एक गार्ड जिसने चेहरे पे नकाब पहना था उसने बाकी छात्रों को धक्का मुक्की की और मैन हैंडल किया, असॉल्ट किया, और ये बात तभी के तभी पुलिस के संज्ञान में भी लाई गई। ये हुआ, उसके बाद जब ये सारा चीज़ हुआ तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जहाँ पे ये सिटिंग यहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे साथ ही साथ ये आपको बता दूँ क्योंकि बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, उस दिन 4 जनवरी को दोपहर के टाइम पे SIS में जब ABP के गुंडे जब जमा होके फिर से ऐसा उपद्रव करने का एक प्लानिंग कर रहे थे, तब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा था, ऑफिस खुला हुआ था, तब ऋत्विक राज जो SIS का काउंसिलर है उसके साथ SIS के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा, जैकलोंग बासुमत्री ओडीन है SIS के, जैकलोंग बासुमत्री जो प्रोफेसर है, अंशु जोशी, प्रवेश कुमार, ये सारे SIS में प्रोफेसर है, SSS के प्रोफेसर तपन कुमार बिहारी जिनके ऊपर हिंसा करने का पुराना एक उनका रिकॉर्ड है, वो जब स्टूडेंट थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तभी भी उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक किया था, अब वो सस्पेंडेड भी थे तब वहाँ पे, अब वो JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनका ये काला इतिहास फिर से दोहराना शुरू कर दिए हैं। ये सारे जो लोग हैं वहाँ पे जमा हुए,
उनके साथ एबीवीपी के कुछ गुंडे भी थे जिन्होंने छात्रों पे हमला करना फिर से शुरू कर दिया जो वहाँ पे थे। सिर्फ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बाकी आम छात्रों के ऊपर भी गाली गलौज करते हुए अलग अलग तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए और उनको फिर पीटने भी लग गए। उसके वीडियोज हमारे पास है, इन सभी लोगों के सभी लोग इन सब गतिविधियों में संलिप्त थे, इसके सारे वीडियो हमारे पास है। हम आपको अभी रिलीज कर देंगे थोड़ी देर में ये सारे वीडियोस। और जब ये सब हुआ तब साथ ही यहाँ पे सतीश है जेएनयूसी के जनरल सेक्रेटरी, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनको भी तब चोट लगी, उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया इन्हीं सब जो एबीपी के गुंडे हैं चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो इनकी मिलीभगत से। और उसके बाद सर्वेंदर और ओम प्रकाश नाम के एबीपी के मेंबर्स एसआईएस से और साथ में संदीप कुमार सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले एबीपी के एक्टिविस्ट थे इस कैंपस में, फॉर्मर स्टूडेंट है, अभी डीयू में एडहॉक पढ़ाते हैं, ये तीन लोग एक एक्टिविस्ट विवेक पांडे के ऊपर हमला करते हैं, उसको पीटते हैं, उसका वीडियो सर्कुलेट होता है। और बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि वीडियो प्रसार भारती ने डाला है ट्विटर पे, उसको हमारे वाइस चांसलर रिट्वीट करते हैं ये कहते हुए कि लेफ्ट का लोग एबीपी के लोगों को पीट रहा है, जबकि असल में ये वीडियो है कि एबीपी का लोग किस तरीके से लेफ्ट के एक्टिविस्ट को पीट रहा है। एक तरीके से ये है विवेक, एक तरीके से ये कोशिश है कि इस वायलेंस को जस्टिफाई करने का। और एसआईएस के डीन अश्विनी महापात्रा वहाँ पे ये स्टेटमेंट देते हैं, ये बयान देते हैं कि मैं एक एबीपी का मेंबर था, हूँ और रहूँगा, एसआईएस का डीन ये बात कहता है। और वहाँ पे एक और छात्र है आशुतोष के नाम से, उसके ऊपर भी हमला किया गया इसी इंसान के प्रेजेंस में और वो वायलेंस को इंसाइट कर रहा था और एबीपी के मेंबर्स ने छात्रों पे हमला किया, इस स्टूडेंट पे भी एक हमला किया वहाँ पे, उसने भी इसको लेके एक पुलिस कंप्लेंट दायर की है और एमएलसी भी करवाया है। उसके बाद फिर से ये फर्स्ट हाफ का बात है सुबह के 11 बजे के बाद से, इसके बाद सेकंड हाफ में देखिए क्या होता है। सेकंड हाफ में फिर से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास ये क्राउड फिर से जमा होने लगता है। और गौर फरमाने की और बात इसमें आपको बता देता हूँ, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी एसएचओ इंस्पेक्टर वो वहाँ पे मौजूद थे, हम चारों वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि हमको इमरजेंसी में कॉल आया कि यहाँ पे एबीपी का लोग डंडा लेके रॉड लेके पाइप लेके जमा हुआ है, कुछ करने का प्लान में है, वो भी लोग वहीं पे थे। हमने उन्हें कहा कि आप लोग हिंसा होने का यहाँ पे चांस है, आप यहीं पे रहिए, बल को बुलाइए, अपने फोर्स को बुलाइए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कीजिए। वो लोग वहाँ से निकल गए ये कहते हुए कि हम चाय पीने जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का असलियत है। और फिर ये जो गुंडे हैं एबीवीपी के और उनके नाम आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, दुर्गेश कुमार, मनीष जांगिड, ये लोग इस पूरे मॉब को और साथ में विजय कुमार, ये लोग एक 10 से 15 लोगों के एक झुंड को लेके आया जिसके पास जो सारे मैं बताया हथियार थे, डंडे लाठी रॉड पाइप ये सब चीज़ था, वहाँ पे आके बिना प्रोवोकेशन से स्टूडेंट्स के ऊपर हमला उन्होंने शुरू किया। और जब ऑफिस बॉयज उन्हें रोक रहे थे तो कॉमरेड सतीश को चोट लगा, उनके आँख में चोट लगा है, उन्होंने एमएलसी करवाया है, पुलिस कंप्लेंट भी फाइल किया है, उनके ऊपर एक पर्सनली टारगेट करके हमला हुआ, यही 10 से 15 लोग उनके पीछे भाग के, जानिए कि जैसे उनको मॉब लिंच करने का इंटेंशन हो वैसे उनके पीछे भागे और उनके ऊपर एक हमला किया, पूरा घेर के उनके ऊपर एक डंडे बरसाए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि एबीवीपी के कुछ छात्र जिसमें इन्होंने नाम बताया, दुर्गेश कुमार, शिवम चौरसिया, मनीष जांगीर, ये लोग महिला साथियों का हाथ मरोड़ करके मार रहे थे, जिसमें से अपेक्षा प्रियदर्शी जिनका हाथ टूट गया है, दृप्ता सारंगी के लोग पटक करके जमीन पे पैरों से मार रहे थे, उनके वेजाइनल पार्ट को लोग टारगेट करके मार रहे थे। मैं बचाने के लिए जब पहुंचा तो ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिए और 10 से 12 लोगों ने मुझे घेर करके वहाँ मारना शुरू कर दिया, जिसमें जिसका मैं नाम बताया, उनके साथ साथ जो राज रवि राज, जयंत कुमार, निशांत, ये लोग थे, घेर करके मारने लगे और मेरे लोग हेड पर पे मारे और आँख में जो इंजरी देख रहे हैं उसके बाद से काफ़ी इंटरनल मुझे इंजरी आई है और पूरा एकदम क्योस का माहौल बना रहा है वहाँ पे, एकदम जैसे साथी ने बताया कि मॉब लिंचिंग का एक माहौल बना हुआ था और ये पूरा चल रहा था और सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया जा रहा था, पुलिस को फ़ोन किया जा रहा था लेकिन कोई नहीं आ रहा था। पुलिस तो मौके पे थी, ये शुरू होने से पहले उनको बताया गया ये होने वाला है पर वो फरार हो गए। ऐसी दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस की सिक्योरिटी कैसे कर सकती है? और जो ये मॉब था एबीपी का उसमें कौन कौन लोग थे उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आदर्श शुक्ला अरेबिक सेंटर से,
राज पांडे अरबिक सेंटर से, राजशेखर उर्फ राजू फ्रेंच सेंटर से, रवि कुमार जर्मन सेंटर से, आशुतोष कुमार राहुल नेगी रशियन सेंटर से, आदित्य चौधरी जर्मन सेंटर से, विक्रम सिंह राजपूत कोरियन सेंटर से, निशांत विद्यार्थी जर्मन से और कृष्णा राव संस्कृत से, और विकास पटेल जो फॉर्मर स्टूडेंट है जो 5 तारीख की हिंसा में भी जिनका नाम आया हुआ है, उनकी फ़ोटो सर्कुलेट हुई है। ये सारे लोग यहाँ पे हिंसा किए जिसमें 5 छात्रों को बहुत सीवियर इंजरी हुआ है, जिसके साथ साथ जो साथी ने कहा दृप्ता सारंगी और अपेक्षा प्रियदर्शिनी जिनको फ्रैक्चर हुआ है, ग्रीवस इंजरी हुआ है। और साथ ही साथ इसमें शिवम चौरसिया का एक नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो डंडे से मार के जो अपेक्षा को जो इंजरी हुई है, जो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसके पीछे शिवम चौरसिया का हाथ है। और वहाँ पे एक प्रोफेसर भी थी शुक्ला सावंत, जिन्होंने पर्सनली इस मॉब के सामने खड़े रह के कोशिश किया कि इनको रोका जाए, उनको धक्का मुक्की करके साइड करके उनको मैन हैंडल करके हटा के ये मॉब अपने हिंसा पे कायम रहा। हम लोगों ने ऑफिस बैरन ने उनको समझाने की कोशिश की कि हिंसा ये रास्ता नहीं है, हम लोग को धक्का दे के दूर किया गया, हम पे भी हमला हुआ है और ये 4 तारीख को दोपहर को हुआ। अभी तक के प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सारे इंसिडेंट्स में MLC और FIR करा दिए गए हैं, MLC और पुलिस कंप्लेंट्स। इसी समय पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में JNU टीचर फेडरेशन, इसके कुछ टीचर तपन बिहारी, नागेंद्र श्रीनिवास, जैकलोंग बासुमत्री, इन्होंने स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया, इंटीमेट किया और कुछ ने स्टूडेंट्स को फिजिकली असॉल्ट किया। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया इसी समय में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। वहाँ पे मदर आसिफ, जो अभी JNU ने जो एक कमेटी बनाया है, इंटरनल कमेटी जो ये सारे वायलेंस को प्रूव करेगी, उसमें मेंबर भी है, ये खुद वहाँ पे मौजूद थे और इस वायलेंस को प्रवोक कर रहे थे, इंसाइट कर रहे थे, कह रहे थे कि मारो मारो इनको। इसी जब ये सब हुआ, साथ ही साथ में एक और घटना हुई है, साबरमती हॉस्टल जो ये पीछे जो हॉस्टल है जहाँ पे सबसे भीषण तरीके से एक हमला हुआ है, टारगेटेड एक हमला हुआ है 4 तारीख से, वहाँ पे सिक्योरिटी एक रहस्यमय तरीके से गायब थी। आप अभी भी जाइए हॉस्टल में, अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक कीजिए, सिक्योरिटी ने 4 और 5 तारीख को साइन नहीं किया है। इसी के चलते वहाँ की प्रेसिडेंट मोनिका बिश्नोई, इन्होंने एक खत लिखा है हॉस्टल वार्डन को, ये कहते हुए कि यहाँ पे सिक्योरिटी को आप इंश्योर कीजिए, यहाँ से सिक्योरिटी कैसे चार तारीख से गायब है। उस खत का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही सिक्योरिटी वहाँ पे वापस आई है उस दिन से 4 जनवरी तक के। इस तरीके का वातावरण एकदम सही बात नहीं है, और हिंसा के खिलाफ, हिंसा को रोकने के लिए, अहिंसा का एक डिमांड करते हुए, एक पीस का डिमांड करते, एक पीस मार्च JNU छात्र संघ ने 4 तारीख को रात को कॉल किया, 9 बजे से ये मार्च हुआ, जिसमें अहिंसा के लिए, हिंसा के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगे। एंड में ऑफिस बेरर्स ने और बाकी छात्रों ने अपना बात रखा हिंसा के खिलाफ, और इससे एक मैसेज हमने देने की कोशिश की कि हम लोग हिंसा के खिलाफ है। ये 4 तारीख का बात है। 5 तारीख को सुबह 11 बजे से SSS 2 में, जैसे मैंने कहा, रोज स्कूल के सामने लोग जमा होते थे, सिट इन करते थे, फी हाइक के खिलाफ, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ से रोक, वैसे भी वहाँ पे जमा हुए। वहाँ पे ABP के गुंडे फिर से पहुँचे, जोर जबरन तरीके से धक्का मुक्की करना शुरू किया, वहाँ पे फिर से एक हिंसा शुरू करने की कोशिश की, अभद्र टिप्पणियाँ की, गाली गलौज शुरू किया, हिंसा इंटीमिडेट करना शुरू किया। वहाँ पे छात्रों ने शांतिपूर्वक तरीके से ह्यूमन चेन बनाया, और वहाँ पे मामला जब थोड़ा शांत होने लगा तो वहाँ पे तपन बिहारी, जैकलोंग बासुमत्री और ये बाकी सारा जो शिक्षक गण है, जिनको शिक्षक भी नहीं कहा जा सकता, इन गुंडों के जो सरगना है, वो फिर से पहुँच गए, फिर से उनको लीड करने लग गए कि आप हिंसा कीजिए। उसके बाद 2 बजे के करीब ABP का लोग वहाँ से प्रशासन भवन की तरफ कूच किया। प्रशासन भवन पे आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है 100 मीटर का, कि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, असेंबली नहीं कर सकते हैं। और जब बाकी छात्र, कोई भी पीसफुल डेमोक्रेटिक असेंबली होता है, तो इमिडिएटली पुलिस को एक कंप्लेंट जाता है, पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन जाता है। 30 से 40 गुंडे जब वहाँ पे डंडे लाठी लेके जमा हुए, और सिर्फ जमा ही नहीं हुए, वहाँ पे जो भी छात्र जा रहे थे उनको मार रहा था, गाली गलौज कर रहा था। एक छात्र का फ़ोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसको कम्युनल थ्रेट्स दिए गए, उसको असॉल्ट किया गया। ये सब जब हुआ और हमको खबर पहुंची कि ये सब वहाँ पे 40 लोग जमा है, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम लोगों को इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का
एकदम इनएफिशिएंसी हमने देख लिया था, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग पुलिस को एक मैसेज ड्राफ्ट करेंगे और 3:03 ये मैसेज दिखाना, ये मैसेज SHO वसंत कुंज को भेजा गया 3:00। आपको पढ़ के बताते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ ये इसको पकड़ लो, हाँ ये सेम है इसका रेड रीड वाला रीड रीड, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, वो दे दो अलग इसमें लिखा है, सर दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड विद वेपन्स एंड स्टिक्स एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नियर द स्टैचू विच इज विदिन 100 meters एंड द बीटिंग एंड दे आर बीटिंग अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अर्जेंटली टेक इमीडिएट एक्शन टू रिमूव द स्टूडेंट्स एंड टेक इमीडिएट एक्शन। ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैसेज भेजा SHO को, वसंत कुंज नॉर्थ के इंस्पेक्टर संजीव मंडल को, साथ साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद मोहन को। इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में 3:00 ये मैसेज को रीड किया गया है। जब कोई जिसको भेजा जाता है वो रीड करता है तो वो आता है व्हाट्सएप में, 3:07 पे मैसेज रीड किया गया है, डिलीवर हुआ 3:00। तो ये मैसेज पुलिस के संज्ञान में आ गया था पर कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। इसके बाद जब ये हुआ तो ओशी ने 3:35 PM को संजीव मंडल जो ये बगल के थाने के इंस्पेक्टर है उनको फ़ोन पे उनसे बात की, फ़ोन पे यही सारा चीज़ उनको इन्फॉर्म किया, कहा कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, कैंपस आइए, सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कीजिए। कोई एक्शन नहीं होता है। अब जो ये ABVP का जो ये गैदरिंग होने लग गया था, इनके पास रॉड स्टोन लाठी ये सब आ गया था, ये लोग अभी असॉल्ट करना जो भी छात्र गुजर रहे थे उन पर शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए JNU टीचर एसोसिएशन ने एक अर्जेंट कॉल दिया एक पीस धरना का, एक साबरमती टी पॉइंट पे नहीं मार्च नहीं था साबरमती टी पॉइंट पे एक धरने का कि जो अपील कर रहा है कैंपस में पीस के लिए और वायलेंस के खिलाफ, छात्र वहाँ पे चलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे छात्र वहाँ बढ़ना शुरू कर दिए स्कूल की तरफ से, तो स्कूल एरिया से साबरमती के बीच में एक हॉस्टल आता है पेरियार हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल के बगल में गोदावरी ढाबा आता है, वहाँ पे ये ABVP गुंडे फिर से असेंबल होना शुरू कर दिए 3:30 और उन्होंने वहाँ पे सिर्फ असेंबल नहीं किया, जो भी छात्र वहाँ से जा रहे थे, जो ये छात्र स्कूल से साबरमती टी पॉइंट की तरफ जा रहे थे उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, और पथराव मतलब कि ईंटें फेंकना शुरू कर दिया, ब्रिक्स फेंकना शुरू कर दिया। ये इंटेंसिटी का जो ये वायलेंस का इंटेंसिटी जो है वो इतना इंक्रीज हो गया। और ये पर्टिकुलरली कहाँ से हुआ, ये एक नाम जो बार बार इस पूरे श्रृंखला में उभर के आ रहा है, तपन कुमार बिहारी, ये पेरियार के वार्डन भी है, इनका फ्लैट पेरियार के हॉस्टल के बगल में है, यहाँ पे सारे गुंडे जो है एक अपना बेस बना लिए कि यहाँ पे जमा होके वहाँ पे अपने आप को मतलब आर्म करके पत्थर जमा करके पथराव इन्होंने शुरू कर दिया। इसमें हमारे साथ साथी कमलेश है, हाँ इनके सर पे एक पत्थर लगा, वहीं पे ईंट लगा, सूरी कृष्णन नाम से साथी है उनको भी पत्थर लगा, वो सीरियस मतलब उनका काफ़ी सीरियस हेड इंजरी हुआ, इनका भी बहुत कितने 10 टीचर्स इनको आए हैं। सूरी अभी घर, सूरी अपने सेफ्टी के लिए मतलब घर चले गया है, और ये भी अभी कैंपस में नहीं रह रहे इस डर से कि इनको आगे क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। जब ये सब हुआ तो साथ में इन सब छात्रों ने फिर MLC बनवाया और कंप्लेंट फाइल किए, और इस पूरे घटना में जो ये पथराव और ये सारा गुंडागर्दी के जो सरगना थे वो ये निम्न छात्र थे, JNU SU प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2019 के मनीष जांगिड, शिवम, हाँ ABVP के मेंशन करना ज़रूरी है, शिवम चौरसिया, रवि शांभवी झा, वैलेंटिना ब्रह्मा, सर्वेंदर जयंत, विकास पटेल, शिव पूजन मदनवाल, इन लोगों ने इस वायलेंस को वहाँ पे एक अंजाम दिया। हाँ इस विजेंद्र ठाकुर भी एक नाम जो इन्होंने देखा है वो इसमें थे। इसके बाद 4:30 ये घटना हुई, करीबन जब तक ख़त्म होती है 4:00 तक के, तब एक पुलिस का ट्रक आता है पेरियार पे, चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है, खड़ा रह के बोलता है वहाँ पे कॉमरेड ओशी ने उनको बोला भी कि आप यहाँ पे खड़े रह के क्या देखने आए हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते। और तभी भी मतलब ये पथराव शुरू था, तभी पथराव जो है वो
कि काफ़ी वीडियोस जिसको उठा के आई थिंक सो दिल्ली पुलिस इस टाइम पे मुझे एक सस्पेक्ट की तरह बोल रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब पेरियार हॉस्टल पहुँचे कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे एक भी हॉस्टल्स में नहीं था। दिस इज़ रिमार्केबल टू सी। और दिल्ली पुलिस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो खुद एक्शन नहीं ले रहे, जब हमारा इंटरनल सिक्योरिटी काम नहीं कर रहा है। JNU स्टूडेंट्स ऑफिस बेरर के पास SOS कॉल्स आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, हमें बचाइए ये हो रहा है। क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग मोमेंट पे पहुंचे इमीडिएटली देखने के लिए कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, और उसको जूम इन और जूम आउट करके ये बोल रहे हैं कि हम लोग ने मॉब लीड किया। ये कतई सच बात नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे पत्थरबाजी पहले से शुरू हो चुका था और हम लोग सिचुएशन को देखने जब भागे, और मैं चीख चीख के वहाँ बोल रही थी लोगों को कि सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी कहाँ है। कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं था। तो ये सच्चाई है कि बैक ऑफ द थिंग दिस वॉज गोइंग ऑन कि सिक्योरिटी वॉज अनअवेलेबल फॉर द होल टाइम एंड देवर म्यूट स्पेक्टेटर्स। और उसके बाद भी बहुत जगह एक क्लियर बात बता देना चाहते हैं, पुलिस भी जो यहाँ पे गेम खेल रहा है कि हमें परमिशन नहीं था, सिविल ड्रेसेस में पुलिस 23 दिसंबर के बाद से इस कैंपस में भरी मौजूद है, ये मैं सबको बता देना चाहती हूँ। एड ब्लॉक पे डिप्लॉय किया गया है, वो रजिस्टर्ड का ऑफिशियल नोटिस हाईकोर्ट से ऑर्डर है, जहाँ पे खुद मैंने वो लेटर खुद देखा है। वो डिमांड हम करते भी है पुलिस से, जहाँ पे रजिस्टर ने प्रमोद कुमार ने खुलेआम दिल्ली पुलिस SHO वसंत कुछ को लिखा है कि वी नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ पुलिस डिप्लॉयमेंट इन सिविल ड्रेस नियर द एड ब्लॉक एरिया एंड दिस एरिया। तो पुलिस जो सिविल ड्रेस में थे वो क्या कर रहे थे, उनके पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि पुलिस, वैसे तो स्टूडेंट्स अगर पोस्टर निकाल के हम लोग जब प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं कोई भी पीसफुल कि हम वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इमीडिएटली हमें घेर लेते हैं। तो उस दिन पुलिस क्या कर रहा था सिविल ड्रेस में भी, वो लोग तो इन्फॉर्मर के तहत ही रहते हैं ना, तो उन्होंने कॉल करके ये सब क्यों नहीं बताया। और 3:45 के करीब जब मेरा बात हुआ संजीव मंडल से, उन्होंने बोला आयशी मैडम आप चिंता मत करो, सब कुछ सही है, हमने उन लोगों को हटा दिया है। अगर हटा दिया है तो फिर इस तरीके का अटैक्स कैसे कंटिन्यूसली होता रहा। ये बात जो साथी ओशी ने कही, पुलिस का तो रोल इसमें है ही। जब जामिया के लिए हमने ITO पे प्रोटेस्ट दिया था शॉर्ट नोटिस पे, आधे घंटे के भीतर 3 मेट्रो बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बाहर हो जाता है 400 पुलिस का, जो हमको बाहर जाने से रोकता है। तो इनका इंटेलिजेंस तो यहाँ पे है, इनको सब पता है क्या हो रहा है, ऐसा कोई इंटेलिजेंस फेलियर JNU से नहीं हो रहा है। बस एक्ट करने का विल नहीं है या ऑर्डर मिला है कि एक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए आगे 4:30 बजे जब छात्रवास से डिस्पर्स किए, तो उनको ये पता चला कि ABUP के नॉन मेंबर्स DU के एक्टिविस्ट वो मेन गेट पे लाठी डंडे लेके जमा हो रहे हैं। ये बाद में एक फ्रेंड्स ऑफ RSS नाम का ग्रुप जो है, जिसमें बहुत शर्मनाक तरीके से चीफ प्रोफेसर धनंजय सिंह जो फैकल्टी है इंग्लिश स्टडीज़ में, उन्होंने ये बात माना है कि वो उस ग्रुप में है, और उस स्क्रीनशॉट है उस ग्रुप का जहाँ पे सारा प्लान हो रहा था कि ABUP से गुंडों को बुलाने का बाहर से। ये सब लोग गेट पे जमा हो रहे थे, उन्होंने अलग अलग गेट से, चाहे वो खजान सिंह वाला गेट हो, नॉर्थ गेट हो, सरस्वतीपुरम हो, उनसे एंट्री कराना शुरू कर दिया। इसमें प्रोफेसर्स का भी हाथ था, जो ये सारे प्रोफेसर्स का नाम लिया जा रहा है, तपन बिहारी, JNU TF के जो प्रोफेसर्स है, इनका पूरा हाथ था कि ये इन गुंडों को कैंपस में घुसाया जाए। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि ये लोग मेन गेट से अंदर चलते हुए आ रहे हैं, और ये लोग गंगा की तरफ से सतलज वाला रूट लेते हुए इस तरफ आए। वहाँ से आके हमें उनको जो स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे उनको ये सुनाई दिया उनके तरफ से कि उन्होंने वो और लोगों को बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि चेहरे पे नकाब या कपड़ा बांध ले। ये लोग आके सतलज से कावेरी, अंदर से एक रास्ता है सतलज से कावेरी, वहाँ पे कावेरी पे जाके असेंबल हुए, और कावेरी के छात्रों ने हमें ये बात रिपोर्ट किया कि कावेरी पे एक बहुत बड़ा मॉब आ चुका है। अब तक के 5 बजे नॉर्थ गेट और गोदावरी बस स्टॉप पे कन्फर्म पुलिस प्रेजेंस था। एक ट्रक जो मैंने कहा गया वो था, एक जिप्सी थी वहाँ पे पुलिस की। और ये सोचते हुए कि पुलिस कैंपस में आ गया है, अब सब चीज़ कंट्रोल में है, अब कुछ गलत चीज़ नहीं होगा, छात्र थोड़े से रिलीव हुए, और वो JNU TA के जो अर्जेंट कॉल था पीस एंड नॉन वायलेंस धरना सावरमती टी पॉइंट पे, वहाँ पे वो लोग गए। वहाँ तक के 5:15 बजे एक बहुत बड़ा नकाबपोश लोगों का एक झुंड तपन बिहारी के घर के सामने जमा हुआ। वहाँ पे जो आई विटनेस अकाउंट है, जिसमें कॉमरेड ओशी भी एक है, जिन्होंने ये देखा कि वो उनके साथ खड़ा था लाठी लेके, इसका बाद में है पर इसके पहले भी ये सब चीज़ हुआ,
उन्होंने ये देखा जो आई विटनेस अकाउंट है कि वो लोग उनको लाठी दे रहे हैं, खुद भी हाथ में लाठी पकड़े हैं। सीएसआरडी में फैकल्टी है प्रोफेसर अमित थोरात, जो अपना साइकिल चला रहे थे वहाँ पे, साइकिल चलाते हुए वो यहीं पे आ रहे थे, उनको उन्होंने देखा, पहचाना और रोका, फिर उनको पीटा, फिर उनकी साइकिल को तोड़ दिया गया। और ये चीज़ जो है ये हमको तब पता चली, करीबन 400 लोग तब तक के 6:30 बजे तक के टीचर एसोसिएशन के कॉल पे साबरमती पे थे, JNUSU के ऑफिस बेयरर्स थे, जिन हमने और टीचर एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स ने अपना अपना बात रखा वहाँ पे, और मीडिया के भी कुछ साथी थे, वो सब लोग यहाँ पे थे। और इसके बाद जो मेन हमला है वो शुरू हुआ, जिसके बारे में साथी दानिश आपको बताएंगे। लैपटॉप में तो आप थोड़ा इस तरह अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। भाई कंपनी थोड़ी सोलह पूरा वो देती है यार, प्ले करके बैठ जाइए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बात करिए, समझ नहीं आएगी टेक्निकल बातें। नहीं दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, भेज देंगे आपको, भेज दिया जाएगा। एक बार दिखा भी दीजिए, एक बार दिखा भी दीजिए, दिखा दो प्ले करके, दिखा दो एक बार। ये वीडियो है जो आपको मिली है। मैम आप थोड़ा साइड हट जाइए, आप वीडियो चला के बैठ जाइए, हरकत ही हट जाइए। मैम थोड़ा साइड तो जाइए, वीडियो चला के बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए आप अच्छे से। मोबाइल नीचे करो। आईशी वाज कैटेगोरिकली सिंगल्ड आउट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। शी वाज टेकन बिहाइंड द 24/7 हावर, अनदर स्टूडेंट वाज विद हर एंड शी वाज हिट ऑन द हेड बिकॉज शी वाज द स्टूडेंट यूनियन एंड द आउटसाइडर्स वर टोल्ड दैट दिस इज द स्टूडेंट यूनियन हिट हर। दिस इज द वीडियो ऑफ हर बीइंग हिट आफ्टर शी हैज बीन हिट। ये जो वीडियो है हम लोग ने इनिशियल पार्ट दिखा दिया, आप लोगों को सर्कुलेट पूरा थ्रेड किया जाएगा कि आप लोग सीरीज में इस चीज़ को देखिए और उसको अपलोड कीजिए। और अभी मीडिया में मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत संक्षेप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिसको लेके काफ़ी सारे मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन भी उसी के इर्द-गिर्द होंगे अगर मैं समझ पा रही हूँ। तो काफ़ी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो है स्टूडेंट कपल है, लेफ्ट वर्सेज राइट की बात है, तो मैं पहले ये मिथ को बस्ट करना चाहूँगी कि भाई ये लेफ्ट और वर्सेज राइट की बात नहीं, यहाँ पे सही और गलत की बात है। और JNU स्टूडेंट्स यूनियन ने हर वक्त गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं और आज शायद इसीलिए हम लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये मैं अपने तरीके से बोलना चाहूँगी। वाइस चांसलर खुलेआम एक न्यूज़ चैनल, एक नेशनल न्यूज चैनल में जाके बोलते हैं कि आई वेलकम वायलेंस इन द कैंपस और फिर करेक्ट करते हो गलती हो गई, वी शुड बी कैटेगरी नहीं टेकिंग इट। दूसरी बात, ये सेम वाइस चांसलर है जब 2016 में मेरे ही बैचमेट थे, मैं 2016 में एमए करने आई थी नजीब माही मांडवी में, मैं कोयना में रहती थी, माही मांडवी में नजीब रहता था, वहाँ से उसको मारपीट करके कौन से लोग मारपीट किया था सबको पता है। जब नजीब का फोर्सफुल डिसअपीयरेंस हुआ तब यही वो वाइस चांसलर था और एडमिनिस्ट्रेशन जो जा जाके कोर्ट के पास रो रहा था, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है इसीलिए हम लोग ट्रेस आउट नहीं कर पाए। और आज जब आपके पास सीसीटीवी कैमरा है उसका सर्वर आपको नहीं मिल रहा है, ये समझने की जरूरत बहुत अच्छे तरीके से है कि आपका सर्वर नॉर्थ गेट में रहता है तो अचानक से आपको सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपको गेट की एंट्री की सीसीटीवी फुटेज आप दिखा क्यों नहीं रहे। हम जानना चाहते हैं कि आप इसी रीजन से 3 साल पहले कोर्ट के अंदर रो रहे थे पुलिस के पास कि हम नजीब को इसलिए नहीं ढूंढ पाए, हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे, वो कैंपस से कहां गया हमें पता नहीं चला क्योंकि सीसीटीवी कैमरास हमारे पास नहीं है। ठीक
लेकिन सीसीटीवी कैमरा आपके गेट पे ऊपर लगाए तो था ना, तो ये लोग कैसे अभी ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। और एक बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहूँ, ये लोग सर्वर काटना, ऑप्टिकल फाइबर काटने की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। जो भी है, 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन चल रही थी, हम फोलियोज का भी प्रूफ देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था और SIS में रजिस्ट्रेशन चल रहा था। 5 तारीख का मेरे फ़ोन में मैंने हम लोग अभी यहीं पे मैं दिखाना चाहूँगी स्पेसिफिकली कि बहुत ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन जा के बोल रहा है कि सर्वर ऑप्टिकल कुछ काम नहीं कर रहा था। ग्रुप मेलिंग सर्वर कम्युनिकेशन से कैसे आया अगर ऑप्टिकल फाइबर्स कट गए थे या कुछ कुछ हो गया था? आपका सर्वर टूट गया है और आप बोल रहे हो सर्वर नहीं टूटने के वजह से, डाउन रहने के वजह से हम सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दे पा रहे, तो फिर ये सारे चीज़ें कैसे आ रहे हैं? मेल कैसे मिला सर? इसका भी हम लोग फॉरवर्ड देंगे। तो बात क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले दिन से मीडिया को ये बोला है, जब मुझे अटैक किया गया था वहाँ पे लकीली एक स्टूडेंट था जिसके पास फ़ोन था, उसने वीडियो जो मेरी पहली बनाई थी, सबसे पहले बाहर गया था जहाँ पे मैं बीट कर रही थी, मैंने क्लियरली और कैटेगरी के लिए बोला था। मैं किसी पे उस दिन शक नहीं कर रही थी उस मोमेंट पे, मैं अपना जान बचा रही थी कि बिकॉज आई नो वॉट आई वेंट थ्रू एट दैट मोमेंट। देयर वर रिपीटेड हैमरिंग विद आयरन रॉड ऑन माई हेड। हो सकता था कि वहाँ पे प्रोफाउंडली बीट करके कोई भी स्टूडेंट मर जाता, वो फियर था मेरे अंदर कि शायद मैं यहाँ से बच के नहीं निकल पाऊंगी। 20 odd men विद मास्क ऑन देयर फेस, ऑन दैट माइंड आई डिडंट हैव वेदर इट एबीवीपी व्हाट इट इज, आई जस्ट आस्क द पुलिस फॉर जस्टिस। लेकिन अभी फुल जैसे अगले दिन से मीडिया नैरेटिव और प्रूफ हमारे पास नहीं हुआ, हम क्यों नहीं शक करें जब अनिमा सोमकर जो दिल्ली के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी है खुले आम मीडिया में बोल रहे थे, हाँ भाई हमने बोला था अपने एक्टिविस्ट को कि हाथ में एसिड रखे, रॉड रखे। मैंने तो नहीं बोला था, सतीश ने नहीं बोला था, साकेत ने नहीं बोला था, दानिश ने नहीं बोला था, कोई भी स्टूडेंट 8,000 स्टूडेंट से बोल पाएगा कि JNU के एक भी ऑफिस में आपको बोला था कि डंडा लेके आपने हाथ में चली? नहीं बोला था। जब यहाँ पे खुले आम ABVP बोल रहा है कि हम क्यों नहीं शक करें कि वो अटैक उस दिन वो प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, जो RSS यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट और उसके में मेरे बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो मैं मुझे बाद में पता चला एक दो दिन बाद, जहाँ पे लिखा गया है उसको गहरी चोट आई है, मज़ा आएगा, मर जाएगी शायद, मज़ा आएगा। दैट व्हाई शुडंट नाउ आई थिंक दैट नो इट वाजंट एन ऑर्गेनाइज्ड अटैक। और मैं ये जानने के बाद कैसे खुलेआम इस यूनिवर्सिटी के अंदर घूमूं विद सेफ्टी कल क्या रात के टाइम में, कि पता चले मुझे फिर से टारगेट करके अटैक किया जाए इस यूनिवर्सिटी में। और 6:30 बजे जब JNU टाइगर सॉलिडरिटी मीट हो रहा था यहाँ पे पीस गैदरिंग, हम लोगों ने खुद वहाँ पे, मैंने और साकेत उस दिन प्रेजेंट थे, हम लोग अपना बात रख रहे थे, उसके बाद चाय पी रहे थे आराम से, मतलब साथी थे मीडिया के, उन्होंने मुझे बोला कि आप बाइट दे दीजिए, मैंने बोला यार 10 मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। चाय पी रहे थे हम लोग और इमीडिएटली ये सब चीज़ साबरमती में हुआ, तो हम क्लियरली समझ सकते कि द एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी समवेयर एंड एवरीवेयर हैज देयर हैंड्स। और इसको जो बनाया जा रहा है नैरेटिव कि नहीं ये स्टूडेंट्स के अंदर का स्कफिल है, भाई स्टूडेंट्स के अंदर के स्कफिल की बात आप हमसे मत ही करो, क्योंकि ABVP कैसा है हमें पहले भी पता है। सौरभ शर्मा जाके DSW का कास्ट तोड़ता है, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉक्टर इंक्वायरी नहीं होता है, और अभी वो प्रोफेसर है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेट मी पुट इट क्लियर, तपन कुमार बिहारी को सस्पेंड कर दिया जाता है NCU स्टूडेंट्स को मारने के लिए, और वो CPS के प्रोफेसर है। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और एक बात मैं क्लियरली बताना चाहूँगी, जब मैं एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो मेरी बहन छूट गई थी, मैंने काफ़ी जगह बोला था, दैट डे द विटनेस आई हैड वॉज माई ओन सिस्टर, शी हैड कम बैक फ्रॉम होम, वो मेरे उस भाग दौड़ में यहाँ से छूट गई थी, और वो रो रही थी जब उसने बोला कि मैं नहीं गोदावरी के पेरियार के तरफ हूँ। तो मेरे साथ बासित थे और कुछ लोग थे जो मुझे फर्स्ट एड दे रहे थे एम्बुलेंस के अंदर, और गाड़ी एम्बुलेंस अंदर का एम्बुलेंस था यूनिवर्सिटी का, मैंने बोला भैया आप पीछे करो गोदावरी के तरफ लेके चलो। पेरियार तक जब पहुँचे तपन कुमार बिहारी का प्रोफेसर का फ्लैट एकदम पीछे के तरफ, एकदम एंट्री आप लेते हो तो वहाँ पे CHS के कुछ स्टूडेंट्स थे, एंड आई कैन आइडेंटिफाई देम, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स हियर, बट आई कैन आइडेंटिफाई देम विद लाठीज पाइप्स इन देयर हैंड विद तपन कुमार बिहारी। उसके घर से लोग और निकल रहे थे,
और मुझे वहाँ पे एडवाइस किया गया कि आप नीचे हो जाओ बिकॉज आई वाज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बिकॉज हम लोग उस ट्रॉमा में थे कि पता नहीं यहाँ पे भी ये लोग फिर से एम्बुलेंस को तोड़ने लग जाए, दैट वाज द ट्रॉमा। तो आज जो सर्कुलर आई है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कि ऑडिट होगा हॉस्टल्स का, क्लियरली बताना चाहते हैं किस हॉस्टल का ऑडिट करोगे जब आपके वार्डन्स यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, जो उनके घर में गुंडों को रखा जाता है और सेफगार्ड दिया जाता है। 9:30 बजे तक स्कूल स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में वीमेन स्टूडेंट्स वर हाइडिंग, लेट मी टेल यू हाइडिंग, दे हैव हर्ड द सिक्योरिटी टेलिंग द गून्स क्या आप अंदर आके देख लीजिए, दिस इज द रियलिटी। और आज तक मेरा कंप्लेंट FIR में चेंज नहीं हुआ है, लाइक साथ साथ किसी का भी नहीं हुआ है, पहले का पीछे का। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि रियलिटी क्या है। आपके लिए सर्वर फलाना ढमकाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए आपकी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जिसके साथ वायलेंस हुआ हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक वाइस चांसलर है एक यूनिवर्सिटी के, जब आपको पूछा जा रहा है कि आप स्टूडेंट से बात किए तो आप बोल रहे मेरा घर तो खुला ही है। हाँ, तो इस चोट में मैं आपके घर तक पैदल जाऊँ और बोलूँ वाइस चांसलर महाशय आप मुझे जगह दे दीजिए। नहीं, ये बस क्लियरली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि इस वाइस चांसलर के साथ हम किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोऑपरेट करने लायक है नहीं। Registration fees, but we are not going to pay a single penny
ऑफ आवर हॉस्टल फीस बिकॉज़ वी डोंट एक्सेप्ट वी डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फीस दैट हैज बीन हाइक और अभी तक बार-बार जो एमएचआरडी की तरफ से भी बोला जा रहा है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो वाइस चांसलर ने किया है गलत किया है तो हम लोग बार बार बोलना चाहते हैं जो फी आपने हाइक किया है वो हॉस्टल फीस है और हॉस्टल फीस हम लोग कतई पे नहीं करेंगे चाहे उसके लिए कितना भी लंबी लड़ाई हमें लड़नी है दैट इज वेरी क्लियर विद द जेएनयू स्टूडेंट और हम ये जो ह्यूमिलिटी हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ हुए उसको इस वाइस चांसलर ने जिस तरीके से स्टूडेंट को एक तरीके से ह्यूमिलेट किया उसको हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे आई अगेन वॉन्ट टू थैंक द मीडिया कि आप लोग जिस तरीके से सच्चाई को सामने दिखा रहे हो आप दिखाइए एंड स्पेशली थैंक द साबरमती हॉस्टल रेसिडेंट्स दे हैव बीन टू करेजियस आई कांट इवन से हाउ मच करेजियस अगर वो सारे वीडियोस वो नहीं बनाते शायद आज क्राइम ब्रांच इस चीज़ को और पता नहीं कौन सी नैरेटिव में पहुँचा देते द वीमेन हैव बीन ट्रिमेंडसली करेजियस इन दिस यूनिवर्सिटी लड़ाई ये जो हमारे 75 की लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाती है लेकिन आप देखिए थोड़ा डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी क्या दिक्कतें हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि जेएनयू एसयू क्यों नहीं चाहता है कि हम लोग ये हॉस्टल का जो मामला है इसको हम लोग क्यों बार बार बोल रहे हैं कि वी कांट एक्सेप्ट लेकिन मैं फुट इट इन बुलेट में भी हमें पता है 10 मिनट पहले मेल आता है बोलता है आइए बातचीत करते हैं बातचीत कैसा होता है प्रेजेंटेशन ओके पास 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 दिस इज अ वे स्टैट्यूटरी बॉडी मीटिंग्स आर हैपनिंग इन दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर यूनिवर्सिटी लेट मी पुट इट क्लियर लोग जेएनयू की तरफ देखते हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी बनना है अगर ये यूनिवर्सिटी का हाल है तो आई एम रियली सॉरी नहीं आप बाकी यूनिवर्सिटी को हम बोलना चाहते हैं प्लीज़ ऐसे मत बनो ये जो वाइस चांसलर कर रहा है इसके साथ सेकेंड ऑफ ऑल पुटिंग इट क्लियर एमएचआरडी ने बोला था लीनियंट व्यू ये मैं स्पेशली मीडिया को देना चाहती हूँ लोगों की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ब्लॉक किया गया आप देखिए जिनके ऊपर सिर्फ इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी है शो कॉज भी अब तक के दायर नहीं किया गया है सिर्फ 300 छात्र जिनके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है उनका देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है एकेडमिकली सस्पेंडेड बाय चीफ प्रोक्टर ऑफिस इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुआ है एमएचआरडी बोला है लीनियंट व्यू लीजिए प्रोटेस्ट के लिए और ये इनका लीनियंट व्यू है एकेडमिकली सस्पेंडेड बाय चीफ प्रोक्टर 300 छात्र है इनको ये अभी बोलने वाले हैं कि छात्र नहीं है और ये आउटसाइडर्स है तो ये एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब एमएचआरडी हमें मीटिंग के अंदर बोल रहा है नहीं नहीं हम लोग एकदम वाइस चांसलर को समझाएंगे और आप लोग भी आप भी पॉजिटिवली लीजिए हमने एमएचआरडी के सेक्रेटरी को क्लियरली हम चारों ने कल बोला हमें हम पहले दिन से डायलॉग चाहते हैं इसलिए 2 जनवरी को भी डायलॉग के आशा में 4 लोग लेटर लिख रहे थे वाइस चांसलर को कि प्लीज डायलॉग कर लीजिए इस क्राइसिस को एंड कर लीजिए लेकिन आज भी इंडियन व्यू एमएचआरडी बोलने के बावजूद लोगों के रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है तो एमएचआरडी को फिर से हम लोगों ने आज बोला है ज्वाइंट सेक्रेटरी को कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वाइस चांसलर को बोलिए और ये सारे चीज़ अनब्लॉक इमीडिएटली कीजिए बिकॉज इंक्वायरी इज एन इंक्वायरी वी कांट कन्विक्ट पीपल ऑफ not continuing their academic activities within this university they can't and ek baat add karna chahta hu ki vice chancellor sahab ek interview mein bolte hain ki let's forget past and let's start new beginning to hum log aur MHRD ne bhi bola ki student ek kadam aage badhaye jahan se vishwas kayam ho to jaise coordinator bataya ki hum log 120 aur 108 mein ka jo tuition fees hai उसको पेमेंट करके आगे बढ़ करके हम अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो एक कदम आगे बढ़ाए कि जो बढ़ा हुआ फीस है उसको घटाए तब तब हाँ जो हॉस्टल का फीस है तब माना जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कदम आगे बढ़ा रहा है मतलब हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं और हम लोग 120 और 108 का जो ट्यूशन फीस है उसको हम लोग भरने जा रहे हैं लेकिन रुकेंगे कि जब तक हमारा हॉस्टल का फीस कम नहीं किया जाएगा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे कैसे बढ़ रहा है वो नया नया इंक्वायरी डाल दे रहा है वो FIR डाल दे रहा है तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमको बोल रहा कि आप भूल जाइए आगे बढ़िए लेकिन वो जस का तस बना हुआ है और उसका जो प्रिविटिव एक्शन है वो एक के बाद एक किया जा रहा है वंशी साथ एक मिनट जस्ट लास्ट पॉइंट जो मैं समराइज करना चाहूँगी कि जो सर्कुलर मैंने पहले भी बोला कि एक सर्कुलर आया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑडिट ऑफ हॉस्टल्स जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन कंटेम्स एनी काइंड ऑफ सच ऑडिट्स
आप कतई नहीं अलाउ करेंगे। आपके गुंडे इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं, तो वो प्रोफेसर आज हमारा चेकिंग करेंगे। तो हम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि वी हैव इलेक्टेड आवर हॉस्टल प्रेसिडेंट, वी हैव इलेक्टेड आवर हॉस्टल कमिटी। अगर किसी भी वार्डन को चेकिंग करना होगा, वो सबसे पहले हॉस्टल प्रेसिडेंट को और कमेटी को इन्फॉर्म करेगा और साथ साथ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद ही किसी हॉस्टल में हॉस्टल चेकिंग करेगा। उसके बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा हॉस्टल चेकिंग के लिए। जिस तरीके से ये लोग, क्या गारंटी है कि तपन कुमार बिहारी कल के अपने घर पे जो पहले भी गुंडा रखा था और अभी भी नहीं रखेगा? तो आप किस तरीके से, कौन से आप पोजीशन में है, किस मॉरल पोजीशन में कि आप आके कल हमारा हॉस्टल चेकिंग करोगे? कौन से पोजीशन में है? हमारे पास ऑलरेडी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज है और आज आप कहीं ना कहीं उसको रुइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बार बार अपील कर रही हूँ कि आपके हॉस्टल्स में जो कमिटीज है, आप लोग इमीडिएटली GVMs कीजिए और इसको पास करवाइए कि विदाउट योर हॉस्टल प्रेसिडेंट एंड हॉस्टल कमिटी नो चेकिंग इन एनी हॉस्टल विल हैपन, नो चेकिंग। क्यों भी, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि IHA मैनुअल का डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी इस टाइम पे वो लोग हॉस्टल चेकिंग में जाएंगे तो बढ़ा हुआ फीस, बढ़ा हुआ फाइन्स लगाएंगे, और हॉस्टल वार्डन्स के पास ये कहीं ना कहीं सारा पावर दे रहा है आपका एविक्शन करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और किसी भी तरीके से जब तक आप IHA मीटिंग बुला के डिस्कशन नहीं करोगे और ये सारी चीज़ को वापस नहीं लोगे, तब तक हम एकदम नॉन कोऑपरेशन के साथ जाएंगे। कोई भी कहीं पे चेकिंग नहीं होगा, आप रेड नहीं कर सकते इस तरीके से। ओशी, एक कॉल हम यहाँ से रिकॉर्ड देना चाहते हैं कि मंडे ITU में हमारा एक प्रोटेस्ट का कॉल है दोपहर की 2:30 बजे। तो ये कॉल हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, विद द इनसेंसिटिविटी द दिल्ली पुलिस इज गोइंग अहेड विद देयर जांच के लिए, सॉरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस तरीके से बायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो हम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हम सबको अपील कर रहे हैं पूरे दिल्ली में जो लोग हैं, बिकॉज आज ये JNU का बात नहीं है, जामिया में 20 दिन पहले ये चीज़ हुआ था। लेट वी शुडंट फॉरगेट कि आज ये सिर्फ JNU के साथ हो रहा है, जामिया में एग्जैक्टली ये चीज़ हुआ था और इससे खतरनाक हुआ था। लेट मी पुट इट, पुलिस घुस के वहाँ पे लाइब्रेरी तोड़फोड़ कर दिया, वहाँ पे जो सारे उनके चीज़ें उसको तोड़फोड़ कर दिया। व्हाट जस्टिस डिड द जामिया स्टूडेंट्स गेट? AMU में आपको पता भी नहीं चल रहा है कितने स्टूडेंट्स शायद अंदर होंगे जेल के, उनको उठा लेके जा रहे हैं। और ये जो इस्लामोफोबिक नेचर है पुलिस का, लेट मी पुट इट क्लियर, द वे दे टारगेट स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज देयर इस्लामोफोबिक नेचर दैट दे हैव टारगेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया। और मैं एक पीछे एक बात भी पीछे नहीं हटूंगी बोलने के लिए, चाहे कुछ भी कर ले दिल्ली पुलिस, मैं नहीं हटूंगी, क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स को हमें आगे रखना पड़ेगा अपनी लड़ाई में। जब तक हम नहीं आगे लड़ पाएंगे, हम अपनी लड़ाई को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। और ये आज JNU का मैटर, आप लोगों से अपील है कि अगर हम लोग मंडे जा रहे हैं तो सिर्फ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नहीं जा रहे, हम उन तमाम सारी यूनिवर्सिटी की लड़ाई को मजबूत करने जा रहे हैं जिन तक शायद मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही। आज अगर हमारे पास ये स्पेस है जहाँ पे मीडिया हमें सुन पा रही है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी और JNU ऑफिस बैरस ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा उन सारे तमाम लोगों के बारे में बताने के लिए। असम में, तेजपुर में कॉटन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं CA और NRC के खिलाफ, और आप देखिए वो क्या हो रहा है उनके साथ। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द कंट्री कि युवा जहाँ पे बात रख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है, और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर के तरह यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इधर घुस जा रहे हैं और लड़ ले रहे हैं, और जहाँ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उनको वो एक्ट ही नहीं कर रहे और गुंडों को घुसा रहे हैं। ये बताइए, जो वीडियो सामने आया उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि आप वहाँ पे खड़ी हैं और साथी में वहाँ पर पीछे जो लोग हैं उन्होंने नकाब पहन रखा है, तो उनको नकाब पहनने की जरूरत क्या पड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहीं से लोग परियार हॉस्टल की तरफ पथराव करते हैं, उनके हाथ में लाठी है, उसमें चुनचुन है, आपके वो प्रकाश मिश्रा है, तो ये लोग वहाँ क्यों खड़े थे? पंकज मिश्रा ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, नहीं वो दिख रहे हैं, तो वो लोग क्यों खड़े थे, उनको लाठी पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आराम से, हाँ बहुत पहले भी ये सारे बहुत सारे मीडिया से मैंने बोला है कि JNU स्टूडेंट्स यूनियन को जब पता चला कि
कि देर आर SOS मैसेजेस एंड कॉल्स कमिंग कि पत्थर मेल्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके तहत हम लोग उस जगह पे पहुंचे थे, मैं खुद पहुंची थी देखने के लिए क्या हो रहा है, और उसके बाद भी पुलिस को कंटिन्यूस कॉल जा रहा था। लेकिन नकाब क्यों पहना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कुछ गलत आपके पीछे जो लोग हैं, नकाब पहनने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब कुछ गलत करने जा रहे थे आप लोग? आप जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, क्वेश्चन भी वहाँ भी दे रहे हैं, बोलने दो ना यार। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो पुलिस बोल रहे हैं। मैंने नकाब पहना था, मेरे हाथ में लॉट था। आपके पीछे लोग, अब मेरे पीछे सामने भी था, मेरे सामने पीछे रहेगा, मेरे सामने पीछे रहेगा तो मैं क्या नकाब खोल के तब देखूंगी? वो आपके साथ आए हुए थे ना। अगर वो वीडियो बनाया जाता मैं साबरमती में दौड़ रही थी और मेरे पीछे नकाब वाले लोग मुझे मारने के लिए भाग रहे थे, उसमें भी तो आप यही बोलते ना, आपके पीछे लोग आप तो लीड कर रहे थे। देखिए पहला बात तो ये कि ऐसा कौन इंसान है जो कहता है पहले पुलिस को 3 बजे कि आप आइए कैंपस में, नकाबपोश लोग डंडा लेके जमा हो रहे हैं, फिर वही नकाबपोश लोग डंडा लेके जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वही इंसान जो पुलिस को बुलवाया है वो उस मॉब को लीड कर रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो दिल्ली पुलिस से सीधा सीधा है, ऐसा कौन सा फेशियल रिकॉग्निशन का आपका सॉफ्टवेयर है जो ब्लर वीडियो को आइडेंटिफाई करता है, और जो क्लियर फोटो हम लोग दे रहे हैं उसको अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। और ये बात जो जो वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाया है, सेम ABVP का एक घटिया पर्चा, एक घटिया PDF ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं 3 दिन से, जो ब्लर फोटो है सेम कॉपी पेस्ट करके ये लोग प्रिंट करके चला अच्छा, रहे हैं। रजिस्ट्रेशन रोकते समय गीता कुमारी का जो वीडियो है उसमें क्या गीता कुमारी नहीं दिख रही, वो रजिस्ट्रेशन क्यों रोका गया? जो लोग रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से करना चाहते हैं उनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? और आप एक बात बताइए कि 5 जनवरी को सर्कुलर दायर होता है CIS से, सब स्टूडेंट को मेल आता है, वो कैसे होता है अगर सर्वर खराब है तो? 4 तारीख को 5 दिन रोज सर्कुलर आ रहा है। एक चीज अरे हो गया यार, अरे आप कितने मिनट यार, हम और लोगों को भी पूछना है, जो अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्या वो नहीं करना रजिस्ट्रेशन करे? आप आज सुबह वाइस चांसलर ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ली है कि वाइस चांसलर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ले रहे हैं, आप लोगों को कोई इंटीमेशन इसके बारे में आया? डू यू नो हु द स्टूडेंट्स वर और व्हाट हैपेंड इन दैट? एकदम नहीं पता हूं खान, देखिए हमें कोई मैसेज नहीं आया। मैडम एक मिनट, हाथ इधर। अभी भी फॉर्मल कोई नोटिस आता है वाइस चांसलर की तरफ से या किसी भी, वो फॉर्मली सर्कुलर भी आपके सामने वेबसाइट पे दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट को पता है। कोई भी मीटिंग इससे पहले भी जब
होम के तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को बुला लिए, तब भी उसको प्रचार तो जरूर किया, उसका प्रचार का बिजनेस बहुत अच्छा है, तो ये मैं बता देती हूँ। लेकिन आज जो चुपके चुपके मीटिंग कर लिया ना जी, मुझे तो मीडिया से पता चला, मैं खुद अपनी एम्स में गई थी, सबको एम्स में गई थी अपना काम करवाने, मेरा बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहा था, आज सुबह एम्स जब गई तब मुझे मीडिया वाले पकड़ के बोल रहे, अरे स्टूडेंट्स को बुलाया आप नहीं गए, और फिर हमें पता चला कोई भी ऑफिस बेरर्स को खबर नहीं है। Do you know the students who went for it? हमने इस पे एक पहले फॉर्मल नोटिस भी दिया, उनको फॉर्मल लेटर भी दिया है कि आप हम लोग को इनवाइट कीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इनविटेशन हमको नहीं दिया है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। इसके पहले भी वो लोग एबीवीपी के लोगों से मिलते रहे हैं, उनके साथ चाय पकौड़ी होता रहा है। मुझे ऐड करना है, हाई कोर्ट ने दो बार ऑर्डर दिया है कि वाइस चांसलर स्टूडेंट से मिलके बातचीत करके इसको रिजॉल्व करे, हमने भी दो बार यही जज ऑर्डर कोट करते हुए लेटर भी दिया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई मीटिंग का फॉर्मल नोटिस नहीं आया है। आज की मीटिंग में जो स्टूडेंट थे उसमें से एक स्टूडेंट नॉन एबीवीपी का एक सिंपथाइजर स्लैश एक्टिविस्ट है, शायद वो पश्तो में है, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, बट एक एबीवीपी का है ये हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी क्योंकि वीडियो का एंगल ऐसा था कि लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था, तो उसको ध्यान से देख के हम लोग बताएंगे उसके बारे में। वैसी एक सवाल एक है कि देखिए बात यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी आके ये पाँच दिन बाद आ रहा है कि एबीवीपी एक्सपोज हो रहा है। पहले दिन जब अटैक हुआ था ऑफिस बेरर्स, हमारा काम था कि वायलेंस हुआ है उसको दिल्ली पुलिस उसका कॉग्निजेंस इमीडिएटली ले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, तो चोर कौन बन रहा है ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। हमने तो भाई नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था 20 गुंडे मुझे वहाँ पे लेके जाके गाड़ी के पीछे खींच के लेके गया और मुंह पे मुखौटा बांध के मुझे आयरन रॉड से मारा। मैं तो एक का सिर्फ फीचर से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ भाई, मैंने तो बोला भी नहीं था कि एबीवीपी था, बाद में पता चल रहा है कि ये खुलासा हो रहा है। तो बात ये क्लियरली है कि कौन इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहा है, ये क्लियरली पता है। आप एक भी कंप्लेन को, कोई भी स्टूडेंट का कंप्लेन को आप एफआईआर में क्यों नहीं चेंज कर रहे? आपके लिए तो मैटर सीरियस है ना, आपके लिए तो मैटर बायस नहीं हो सकता ना दिल्ली पुलिस का, चाहे हमारे वाइस चांसलर के लिए बायस क्यों ही ना हो। तो ये क्लियरली समझने की जरूरत है कि दिल्ली पुलिस इज नॉट वर्किंग एज इट शुड वर्क, इट इज वर्किंग क्लियरली ऑन द डिक्लेयर और वॉट एवर हायर लेवल प्रेशर दैट दे आर गेटिंग और वॉट एवर इट इज, बट वॉट एज जेएनयू स्टूडेंट वी आर टेलिंग टूडे एज अ यूनियन कि द दिल्ली पुलिस शुड वर्क इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, दे शुड इन्वेस्टिगेट। हमें कभी अभी तक मेरा रिकॉर्ड स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग नहीं किया गया, किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं किया गया जो साबरमती में हॉस्टल रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपनी दर्दनाक एक्सपीरियंस बताया उनका नहीं किया गया है। जो फोटोज बाहर आए हैं हैमर से ऐसे चलते हुए साबरमती में बोल रहे हैं कि पीछे हटो, उसका कोई फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ। आज तक कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, मैंने कहा के लिए और उनके नाम से डाइवर्ट करने की बात कही है। कल प्रकाश जावड़ेकर बहुत ही बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, योगेंद्र यादव और कुछ सोशल एक्टिविस्ट पहुंच जाते हैं, इसका मतलब उन लोग को पता रहता है, उनको उनको बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को सीखना चाहिए। जो दिल्ली के अदर एक्टिविस्ट हैं जो विपक्ष के नेता है वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन और एक और चीज में जो ऐड करना चाहेंगे वो ये है कि देखिए एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि पंकज मिश्रा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो वीडियो आया कहाँ से? एबीवीपी मुंबई का जनरल सेक्रेटरी वो वीडियो को ट्वीट करता है और दिल्ली पुलिस उसके ट्विटर से वो वीडियो लेके उसको सर्कुलेट करता है, पहला बात। दूसरा बात, कल दिल्ली पुलिस का इनएफिशिएंसी को आप देखिएगा,
दिखाता है कि ये विकास पटेल है और फोटो लगाता है शिवपूजन मंडनवाल का, और तीसरा चीज एबीपी के लिए, एबीपी बोलता है कि लेफ्ट के लोगों ने चेहरे पे नकाब बांध के ये सारा जो एक रैंपेज है, सारा ये आतंकी हमला है वो करवाया है, और ये भी कह रहा है एबीपी का लोग कि दिल्ली पुलिस लेफ्ट के साथ मिला हुआ है। आप इसको सोचिए, नहीं इसको सोचने वाली बात है ये। दिल्ली पुलिस आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, 2 घंटा तक पुलिस बाहर खड़ा रहकर तमाशा देख रहा था, तो इसका मतलब है कि अमित शाह कैंपस के वामपंथियों से मिले हुए हैं। अब इसके लिए एबीपी को एक एबीपी को अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए कि वामपंथियों के साथ मिले हुए हैं। आप समझिए इनके लॉजिक को, इनके लॉजिक को आप समझिए। सतलज वो लोग सही से बता पाएंगे हम लोग डॉक्टर है तो एबीवी वाले डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं क्या? केचप किसके ऊपर गिरा था ये सब हमें स्पष्ट किए जाए कि केचप गिराया था, ये कलर था, तो एक चीज समझने की जरूरत है। आप किस तरीके से जो घटना अपनी यूनिवर्सिटी में हुई और आप भी एबीवी के एक्टिविस्ट को मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ थैंक यू ओवर टाइम प्लीज स्टैंड बाय योर यूनिवर्सिटी। आज अगर ये हमला हुआ है तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर हुआ है, तो आपको ये चीज क्लियरली समझना पड़ेगा कि आप वायलेंस का जो साथ दे रहे हैं, आप जिस मुझे समझ में नहीं आता है, तो मनीष जहांगीर ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसका भी हाथ जो भी हुआ है तो वो भी खुद को मारे है क्या? तो मतलब वो क्लियरली डिनाई कर रहे हैं। तो ये सारे बेतुकी की बातें में डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। एंड एग्जैक्टली व्हाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड यस्टरडे वॉज इम्पोर्टेंट दैट दे ट्राइड कि बाहर की जो नैरेटिव है उसको वो जेएनयू एसयू का नाम ले लेंगे वहाँ पे और बाकी लोगों के लेफ्ट के नाम ले लेंगे तो शायद नैरेटिव चेंज हो जाए, लेकिन लोगों ने ग्राउंड पे सच्चाई देखी है कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है उसको, इसलिए कोई भी कोशिश से उनका नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और यही हमें करना है, ये जो ट्रोल आर्मी का नैरेटिव ये कोशिश कर रहा है, ये सारे हमें एकदम रिजेक्ट करना है और हमारी जो लड़ाई एकदम सच्चाई की लड़ाई है हम लोग लड़ रहे हैं, इसको आगे लेके जाना है। अच्छा एक सवाल है थोड़ा, जो फी स्ट्रक्चर है हमारा पुराना वो हम पे लागू कीजिए, हॉस्टल मैनुअल को रोल बैक कीजिए, हम लोग रजिस्टर करने के लिए आज भी तैयार है। हाई पावर कमेटी को लेके मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता होगा वीएस चौहान के अंडर हाई पावर कमेटी गठित हुई, वो एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया उसमें हमने देखा, बाद में वो रिपोर्ट भी हमारे हाथ लगी। 4 रिकमेंडेशन मोटा मोटी है। पहला रिकमेंडेशन है कि आप हॉस्टल मैनुअल में कोई बदलाव मत कीजिए, वो स्टूडेंट से बातचीत करके आईएचसी मीटिंग बुला के कीजिए। दूसरा है कि एकेडमिक सेशन के बीच में आप फी हाइक मत कीजिए, आप आईएचसी मीटिंग को बुलवाइए और अभी फी हाइक को रोल बैक कीजिए। तीसरा ये कहा है कि यूजीसी और एमएचआरडी जो है वो जो सर्विस यूटिलिटी का पैसा है वो दे और उसको ना बढ़ाए। और चौथा ये कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग तरीके से जो उसके एलुमनाई एसोसिएशन है, जो बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज से उसका अग्रीमेंट है, उनसे वो एक फंड ये करने की कोशिश करे। 4 उसके ये है, 4 ऑब्जर्वेशन है और उसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि पूरा क्राइसिस इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि वाइस चांसलर स्टूडेंट से मिलने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी में डायलॉग प्रोसेस कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हुआ है, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। ये रिपोर्ट एमएचआरडी द्वारा दबा दी गई है, किसके आदेश पे दबा दी गई है ये आपको सबको पता है। एमएचआरडी आज कौन चला रहा है, कौन जेएनयू में डिसीजन ले रहा है और कौन आर सुब्रमण्यम का ट्रांसफर करवाया है, ये सारा जानकारी आपके सामने में है। वो रिपोर्ट हमने कल भी एमएचआरडी को कहा, आप उस रिपोर्ट आपके पास है, आप उठाइए पढ़िए उसको लागू कीजिए, जेएनयू का क्राइसिस को रिजॉल्व कीजिए।
रवि